साफ किया, क्या जरूरत थी, संडे को मैं कर ही लेती। कोई फिल्म देख रहे थे? खाना खाया आपने? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ ना क्या हुआ। तुम्हारा बलात्कार हुआ था। मेरा बॉस हमारी शादी के 2 साल बाद। राहुल तब छोटा था, आप अक्सर बीमार रहते थे, घर और इलाज का खर्च बढ़ गया था। सादा तनख्वाह के लिए मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, वहां मुझे कभी कभी संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता था। उस दिन भी संडे था, लेकिन उस दिन मेरा बॉस मुझे पिकअप करने के लिए खुद ही घर के नीचे आ गया। गुड मॉर्निंग सर। मेरे कार में बैठते ही उसने मुझे सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर की। पहले तो मैंने मना कर दिया, नहीं सर थैंक यू, मगर जब उसने मुझे दोबारा पीने को कहा तो ना चाहते हुए भी मुझे वो सॉफ्ट ड्रिंक पीनी पड़ी। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज लेट मी गो। ये क्या कर रहे हैं? सब छोड़िए, मुझे मुझे अपने घर जाना है। मैं बहुत डर गई थी, उसके बाद मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। तुम बहुत कमजोर औरत हो और धोखेबाज भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मेरे साथ मुस्कुराकर इस तरह जीती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर। तुमने मुझे धोखे में रखा, मुझे धोखे में रखा, मुझे धोखे में रखा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, शांत हो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आज नहीं तो कल ये बात खुल ही जाएगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। मुझे गारंटी चाहिए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अकल तो ठिकाने है तुम्हारी।
मेरी मदद करनी ही होगी। छोड़ दो ये पागलपन। ये पागलपन नहीं, मेरी मजबूरी है। देखो यार, अगर तुमने ये फालतू बात करने के लिए मुझे बुलाया ना, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इलाज करा अपने दिमाग का। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करो, मेरा रेप करो। क्या? और वो सब कुछ तुम एक कैमरे में रिकॉर्ड करो, और वो वीडियो मेरे पास रहेगा, ताकि अगर कभी तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं वो वीडियो तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस फालतू आईडिया में मैं तुम्हारे साथ काम करूं? और यही वीडियो अगर तुमने मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया तो? सर आप खुद सोचो, जो औरत खुद को बचाने के लिए ये सब कर रही है वो ऐसा क्यों करेगी? डर का कारण मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? हम ये गलत कर रहे हैं। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? प्रेगनेंसी के लिए यही ठीक समय है, हमें जल्द ही मिलना होगा। तुमने मेरी बात मानकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम अपने पति को धोखा दे रही हो। मैं जानती हूँ, पर मेरे और मेरे पति के लिए यही ठीक है। अगर मेरे हस्बैंड से होने वाला बच्चा भी उन्हीं की तरह बीमार पैदा हुआ तो आगे जाकर हमारा ख्याल कौन रखेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे पति की कमियों का असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पे पड़े। मैं रिस्क नहीं ले सकती।